कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कोरोना काल में अनाथ बच्चों के बैंक खातों में पीएम केयर फंड से छात्रवृत्ति भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार अनाथ बच्चों के साथ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आर्थिक सहायता जारी की। पीएम मोदी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अनाथ बच्चों के साथ है और बच्चों को हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए 4,000 रुपए की हर महीने व्यवस्था की गई है। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। दरअसल सरकार ने इस योजना की शुरुआत पिछले साल 29 मई को की थी। इसका मकसद ऐसे बच्चों की मदद करना है जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच अपनों को खो दिया है। ऐसे बच्चों को भविष्य के लिए हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड देकर 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। साथ ही इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से ऋण भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।